आज का दिन। आज ही के दिन 1908 में पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानी और दलित नेता बाबू जगजीवन राम का जन्म बिहार के भोजपुर के चंदवा में हुआ था। 1935 में अछूतों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित संगठन अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग की नींव रखने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था और वो 1937 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण श्रमिक आंदोलन का आयोजन किया। 1930 में आज के दिन महात्मा गांधी गुजरात के एक छोटे से तटीय गांव दांडी पहुंचे। 78 अनुयायियों के साथ 385 किलोमीटर की यात्रा करके हाल ही में लागू नमक कानून को तोड़ा। इस घटना को दांडी मार्च के रूप में जाना जाता है और ये मार्च साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। आज के दिन 1792 में अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने राज्यों के बीच प्रतिनिधियों के बंटवारे के लिए कांग्रेस के एक कानून को खारिज करते हुए पहला राष्ट्रपति वीटो का इस्तेमाल किया था। आज ही के दिन 1856 में शिक्षक और समाज सुधारक बुकर टी वॉशिंगटन का जन्म फ्रैंकलिन काउंटी में हुआ था। बुकर टी वॉशिंगटन 20वीं सदी में वॉशिंगटन अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय और समकालीन अश्वेत अभिजात वर्ग के प्रमुख नेता थे। आज ही के दिन 1843 में महारानी विक्टोरिया ने हांगकांग को ब्रिटिश क्राउन की कॉलोनी घोषित किया था। 2009 में आज ही के दिन उत्तर कोरिया ने कोंग मयोंगसोंग 2 रॉकेट का प्रक्षेपण किया था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलानी पड़ी थी। आज ही के दिन 1955 में सर विंस्टन चर्चिल ने खराब स्वास्थ्य के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। और आजादी के सफर के आज के एपिसोड में हम सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहे बाबू जगजीवन राम को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही महात्मा गांधी के दूसरे बेटे मनीलाल गांधी और स्वतंत्रता सेनानी नवाब सिंह चौहान को भी याद करेंगे, जो अपनी हिंदुस्तानी कविता के लिए जाने जाते थे। आइए डालते हैं एक नजर। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहे बाबू जगजीवन राम को, जिनका जन्म 1908 में 5 अप्रैल को बिहार के भोजपुर में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता में अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना की और तथाकथित वंचित वर्ग को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने के लिए अखिल भारतीय वंचित वर्ग लीग की शुरुआत की। बाबू जगजीवन राम ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 1936 में 28 साल की उम्र में ही वो बिहार विधान परिषद के मनोनीत सदस्य के रूप में विधायक बन गए। सन 1937 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, जगजीवन राम शिक्षा और विकास मंत्रालय में संसदीय सचिव नियुक्त किए गए। हालांकि 1938 में पूरे मंत्रिमंडल के साथ उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। गांधी जी से प्रेरित जगजीवन राम ने 10 दिसंबर 1940 को गिरफ्तारी दी। रिहाई के बाद वे पूरी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ गए। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए 19 अगस्त 1942 को उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1946 में रिहा होने के बाद वो अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बने। भारत की संविधान सभा के सदस्य के तौर पर उन्होंने संविधान में सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठापना सुनिश्चित की। जगजीवन राम अगले 30 वर्ष तक विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में देश की सेवा करते रहे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय वो देश के रक्षा मंत्री थे। इस युद्ध से ही बांग्लादेश का उदय हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में उनके 2 कार्यकाल भारत में हरित क्रांति और कृषि के आधुनिकीकरण के लिए अब भी याद किए जाते हैं। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा शत शत नमन। आज ही हम महात्मा गांधी के दूसरे पुत्र मणिलाल गांधी को भी याद कर रहे हैं। मणिलाल गांधी का निधन 5 अप्रैल 1956 को हुआ था। मणिलाल का जन्म ब्रिटिश इंडिया के दौरान राजकोट में 28 अक्टूबर 1892 को हुआ था। 1906 से लेकर 1914 तक वो गांधी जी द्वारा स्थापित फीनिक्स बस्ती और टॉलस्टॉय फार्म में रहे। थोड़े समय के लिए भारत आने के बाद मणिलाल इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के प्रकाशन में सहयोग देने के लिए 1917 में फिर दक्षिण अफ्रीका लौट गए। मणिलाल गांधीवादी आदर्शों के प्रति निष्ठावान बने रहने के लिए हमेशा कठिन प्रयत्न करते रहे। भेदभावपूर्ण कानूनों का विरोध करने के लिए कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, मणिलाल का विनम्र आचरण
अहिंसा का मूर्तिमान रूप नजर आता है। मणिलाल 1930 के नमक मार्च में गांधी जी के शुरुआती 78 सत्याग्रहियों में से एक थे। दांडी मार्च के तुरंत बाद धरसाना नमक फैक्ट्री तक मार्च में शामिल होने के लिए उन्हें 10 महीने की जेल की सजा हुई। मणिलाल 1956 में अपनी मृत्यु तक इंडियन ओपिनियन के संपादक बने रहे। इस महान गांधीवादी नेता को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी नवाब सिंह चौहान को भी याद कर रहे हैं। 5 अप्रैल 1981 को उनका निधन हुआ था। नवाब सिंह का जन्म 16 दिसंबर 1909 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। ब्रिटिश विरोधी नारे लगाने के कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। नवाब सिंह चौहान महात्मा गांधी के आह्वान पर 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और ब्रिटिश शासन विरोधी गतिविधियों में भाग लेने लगे। 1940 में सत्याग्रह के दौरान नवाब सिंह चौहान ने अलीगढ़ में गांव वालों को एकजुट किया और उनका नेतृत्व किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 वर्ष के लिए जेल में रखा गया। आजादी के बाद नवाब सिंह राजनीति में आ गए और लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और कृषि अनुसंधान के लिए कार्य किए। नवाब सिंह एक समर्थ कवि भी थे। उन्होंने कंज उपनाम से अपनी लेखनी का उपयोग विशेषकर ब्रज साहित्य और कला के विकास के लिए किया। इस महान देशभक्त को हमारा नमन।